असेंबली सेगमेंट श्रीनगर का छानापोरा, कौन सी हल्का इंतखाब छानापोरा की बात हम करेंगे, और यहाँ पर भी ट्रेडिशनल पार्टियाँ, नई पार्टियाँ और अदर्स को हमने ऑप्शन में रखा था। तो छानापोरा की सियासत क्या कुछ कह रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 35% के साथ कामयाबी के साथ ऊपर है, 35%, उससे बढ़कर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, क्योंकि यहाँ से सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने चुनाव लड़ना है, शायद उसका वाजिया इफेक्ट और फर्क जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी 1 पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 पर। मुकाबला जो मुझे बाय एंड लार्ज दिख रहा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अपनी पार्टी के दरमियान है, क्योंकि यही तीन थे जो डबल डिजिट में यहाँ पर बढ़त बनाने में कामयाब हुए हैं, 41, 35 और 20। और ये लगातार मैं बता रहा हूँ, ये रिजल्ट्स, ये जो बात हम कर रहे हैं सर्वे की, ये यकुम अगस्त तक की है। यकुम अगस्त के सारी पैनलिंग जो शॉर्ट आउट किया है उसमें कुछ दिन लगे हैं, और पिछले 2-3 दिन से हम ये सर्वे आपके सामने रख रहे हैं। हालात वाकत सियासत के अंदर 24 घंटों के अंदर बदल से भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल छानपोरा जो कुछ कहे वो अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस बमुकाबले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये तो थी बात हल्के इंतखाब के लाल चौक असेंबली सेगमेंट की, जहां के नतीजे हमने आपके सामने रख दिए हैं। आते हैं जी लाल चौक पर, असेंबली सेगमेंट लाल चौक आपके सामने, छानपोरा के बाद लाल चौक के नतीजे आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, जीएपी, बीजेपी। अच्छा, यहां पर एक बड़ी दिलचस्प बात है इस हल्के इंतखाब के अंदर, थोड़ी देर में उस पर मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन लाल चौक एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी उभर कर सामने आई है। यहां पर मुकाबला किस तरीके का होगा, कौन कहां पर उठेगा बैठेगा, ये बड़ा सवाल है। तो लाल चौक आयुष भी फटाफट से हल्के इंतखाब श्रीनगर की लाल चौक असेंबली अंदर क्या कुछ कह रहे हैं, वो नतीजे आपके सामने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 30, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 30, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 31, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1, बीजेपी 4, इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 पर। ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर है, क्योंकि जब आप इंफरादी कैपेसिटी में आपको इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखेंगे तो आपको बाइफरकेशन ऑफ वोट भी नजर आया, और ये जो नए चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं ये कितनी मेहनत कर रहे हैं अपनी अपनी हल्के इंतखाबात के अंदर, ये बड़ा दिलचस्प है। चले तीनों हमारे साथ, जरा फटाफट से एक एक रिएक्शन लेते हैं। सबसे पहले सईद तजमल।